हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका छठी कक्षा का जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने जा रही हूँ। 90 मिनट का पेपर था, 40 नंबर का था और ये आपका पेपर था जिसमें आपके पहले 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के थे, 11 से 13 दो दो के, 14 से 16 तीन का और 17, 18, 19 5-5 नंबर के। यही इंस्ट्रक्शंस यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। जल्दी से एक एक नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान पेपर है। 410 में दहाई के अंक का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट। देखो 410 में दहाई का स्थान है एक और उसका स्थानीय मान हो जाएगा 10, क्योंकि एक के पीछे एक अंक है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न पर। देखो ध्यान रखना, इसके दो आंसर हो सकते हैं लेकिन हम जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से चलेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 का अंतर क्या होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? तो देखो वैसे तो 0 में से 1 घटाओगे तो -1, 1 में से 0 घटाओगे तो 1, तो इसने जिस क्रम में बोला है हम उसी क्रम में करेंगे, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है 49 के पूर्ववर्ती और परवर्ती, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर का मतलब 1 कम 49 से यानी 48 और परवर्ती का मतलब 1 ज़्यादा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथे पर आ जाओ, संख्या 3 के कितने गुणनखंड हैं? फैक्टर्स 3 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 3 एकम 3, 1 3 होता है और 1 होता है। संख्या में कितने हैं? 2। गिनती में कितने हैं? 2, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 180, और 180 का मतलब 2 समकोण यानी कि 2 राइट एंगल्स। आगे देखते हैं, सही और गलत बताना है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर, गलत कह रहा है। ये होती है पूर्ण संख्याएं और 1 से पहले 0 आता है, तो ये गलत बोल रहा है, फॉल्स है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ऑल प्राइम्स आर ओड, ये भी गलत है क्योंकि 2 जो है वो अभाज्य है लेकिन सम है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य, नाइदर प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नोर कॉम्पोजिट नंबर, हो गया। 9वें पर 10वां बिल्कुल एक जैसे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। वह कोण जिसका माप 2 समकोण, 2 समकोण का मतलब 90 जमा 90 यानी 180, और 180 के कोण को हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण और इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, हो गया। ये थे एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब आ जाओ दो दो नंबर के, 11वें पे आ जाओ, सरल करो, सिंप्लीफाई। देखो बिल्कुल आसान है, माइनस का 137 में माइनस का 354 जोड़ना है, दोनों नेगेटिव है, 7 और 4 11, 5 और 3 8 और 1 9 और 3 और 1 4, माइनस का 491 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरे भाग पर आ जाओ। अब ये ध्यान देना है कि 52 घटा 52, 52 में से घटा का 52 घटाना है, तो 2 घटा जमा हो जाते हैं, 52 में 52 जोड़ोगे तो 104 आ जाएगा। ये थी प्रश्न संख्या 11। अगर मेरे वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगी कि नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा लें और बेल आइकन दबा लें। आपकी छठी कक्षा की सारी वर्क बुक्स, गणित की कार्य पुस्तिका भी और उड़ान की कार्य पुस्तिका भी मेरे चैनल पर फुल्ली सोल्ड अपलोड की हुई है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। 12वें पे आ जाओ, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स लेस देन 22, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। 13वें पे आ जाओ, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 बजे से आरंभ होकर, ये घड़ी है 12, 3, 6 और 9, यदि वह 12 से आरंभ हो, यहाँ से एक सुई शुरू हुई ये 12 से, और घड़ी की दिशा में यानी ऐसे चलने लगी, ठीक है, आधा घूर्णन करे, व्हाट विल वेयर विल बी
द एंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 o'clock एंड रोटेट्स हाफ क्लॉक वाइज. देखो पूरा चक्कर लगा के घड़ी की सुई यहीं वापस आ जाएगी, लेकिन अगर आधा चक्कर लगाएगी तो यहाँ तक यानी 6 तक आएगी, तो आप लिख दोगे कि घड़ी 6 पर रुक जाएगी. बिल्कुल सिंपल सा था, बहुत आसान पेपर है. 14वें पर आ जाओ. -32 में से -40 घटाओ, सब्ट्रैक्ट -30 फ्रॉम -32. -32 में से घटाना है माइनस का 40, दोनों घटा हैं जमा हो जाएंगे, जमा 40, 40 जमा का 32 घटा का, विपरीत चिन्ह है, 40 में से 32 गए 8, बड़ी राशि का चिन्ह लगेगा तो जमा का 8 आ जाएगा. बी पार्ट पे आ जाओ. 11 ध्यान देना, 11 जमा घटा 7 में 7 जोड़ो, ऐड 11 जमा घटा 7 और उसके अंदर 7 जोड़ना है, ब्रैकेट खोल लो. 11 जमा घटा, घटा का 7 और जमा का 7, 7 से 7 कट जाएगा और 11 आ जाएगा. भाई 7 में 7 गए 0, बच गए 11. 15वें पे आ जाओ. 8 घंटे एक दिन का कौन सा भिन्न है, ये हो गए 8 घंटे, और भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24. भिन्न निकालनी हो तो 8 घंटे बटे एक दिन, दिन का मतलब 24 घंटे, यानी हमने करना है 8/24, 8 × 8 = 24, 1/3 आ गया, हो गया. बी पे आ जाओ. 40 मिनट एक घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 40 मिनट बटे एक घंटा, नीचे वाले को मिनट में बदल लो, 40/60 मिनट. दोनों मिनट में भिन्न में बदलने के लिए दोनों एक जैसे हो, 20 × 40, 20 × 60, 2/3. आगे बढ़ती हूँ. देखो मेरे गले में ना बड़ा दर्द है, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर बना रही हूँ, तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें. इसकी मिश्रित 1 से 1/3 जमा 3 से, तो मिश्रित भिन्न तोड़ लो, 3 × 3 जमा 1 4/3, 3 × 3 = 9 और 2 = 11/3. नीचे दोनों के 3 आ रहा है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 4 × 11 जोड़ दो 15/3, 3 से 15 भाग हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं. 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में लिखो. देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,000. 10,000 को मैं मूझबानी भी कर सकती थी, बट मैं यहाँ कर रही हूँ. 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 4, 2 × 5. अब ये 5 पे जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 25. अब मैं यहाँ कर रही हूँ, 125 आ गया. 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 5 × 5, यानी कि मैं 10,000 को लिख सकती हूँ 4 बार, तो 2 और 1, 2, 3, 4 बार 5, ये हो गए 10,000 के अभाज्य गुणनखंड. ठीक है, क्लियर हो गया. 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी ना, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं अगला प्रश्न हम, ये था 17वां, अब आ जाओ 18वें पर. एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया और एक रेडियो का मूल्य 1200 है, खरीदने के बाद कितने पैसे बचे. बहुत ही आसान सवाल है, हिंदी में इंग्लिश में बता दूँ. एक बिजनेसमैन के पास इतने रुपीज हैं, 40 रेडियोज हैं, 1 रेडियो का प्राइस इतना है, कितने रुपये बचे. तो आप लिखोगे एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये, फिर निकाल दो 40 रेडियो का, यानी 1200 × 40. बहुत आसान है, पीछे की 3 जीरो लगा दो और 12 × 48, यानी 48,000 रुपये के रेडियो आ गए. अब उसके पास है भैया 78,592 रुपये, तो शेष धन कितना हो जाएगा, 78,592 में से 40,000 को घटा दो, 2, 9, 5, 8 और 3, 38,592 रुपये उसके पास
बच जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट है। आकृति बनाइए, रेखा डायरेक्ट बनेगी, ना कोई अंतिम बिंदु होता, इसके दोनों तरफ तीर लग जाता है, यानी बढ़ता रहे। रेखाखंड में दोनों तरफ दो बिंदु लगेंगे और एक का नाम ए और एक का नाम बी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे एरो लगा दो, प्रतिच्छेदी। चौथा, समानांतर रेखाएं, दो रेखाएं जब एक दूसरे को कहीं भी ना काटे, ये चौथे का है, ये पहले का था, ये दूसरे का था, ये तीसरे का था, ये समांतर। वक्र, वक्र कोई भी हो सकता है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, कोई भी वक्र हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन थे आपके 19। तो ये था आपका कंप्लीट हाफ ईयरली पेपर, जो बहुत ईजी था। कोई डाउट है मुझसे ज़रूर पूछना है। टेलीग्राम पर आपका ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। थैंक यू।